नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह जी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आजकल पार्लियामेंट भी चल रही है, चुनाव भी बहुत हो रहे हैं, पर यूपी के चुनाव भी इतने गर्म हो गए हैं, पर उसमें दिग्विजय सिंह जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या बात है, आपने विड्रॉ कर लिया वहाँ से या आपको लगा कि पार्टी ने समझा कि आप कहीं और अच्छे काम में लगा दो, ये काम आपको और करना? मुझे सोनिया जी ने 2007 में चार्ज दिया था यूपी का, और 2009 और 2012 में जब चुनाव हुए यूपी में तो मैं वहाँ का प्रभारी था। तो 5 साल तक मैंने यूपी में काम किया और मुझे मज़ा भी आया और अनुभव भी हुआ, क्योंकि देश में राजनीति किसी को करनी है तो उत्तर प्रदेश को समझना आवश्यक है। आधे ज़्यादा प्रधानमंत्री वहाँ से आए हैं जो मोदी भी वहाँ से आए हैं वही नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश भारत के एक आत्मा स्वरूप है, एक ऐसा है धड़कन है। और उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो राज्य ऐसे हैं जो वहाँ होता है वही राष्ट्र की राजनीति में भी उसका एक धुरी बनती है, तो इसलिए मेरा अच्छे अनुभव रहे हैं। हाँ, पर उसके बाद आपको वहाँ का इंचार्ज दोबारा नहीं बनाया, कि लगता है कि 2007 और 2012 का एक्सपीरियंस उनको लगा नहीं कि आप ये तो उन पर निर्भर करता है। मतलब आपको हालांकि नतीजे दोनों ठीक रहे थे। 2009 में तो हम लोगों के पार्लियामेंट अच्छे नतीजे आए थे, 2012 में भी हमारा वोट प्रतिशत 4.5% बढ़ा। सीटें कम होगी पार्लियामेंट की आपकी? नहीं, पार्लियामेंट सीटें तो हमारी 2009 में बड़ी 9 से 21 हो गई थी, फिर 22 हो गई थी, और फिर 12 में मेरा चार्ज हट गया था। जब असेंबली इलेक्शन में हमारी उम्मीद थी, हम लोग करीब 50 सीटों पर सेकंड आए थे, तो आसानी 30-40 सीटें हम लोग जीत सकते थे, फिर कुछ थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया तो हम लोग नहीं। आपको लगता नहीं कि 25 साल हो गए, 26 साल लगभग यूपी में कांग्रेस को उबड़ी ही नहीं, जहाँ से इंदिरा जी आए, जहाँ से राजीव गांधी आए, सब लोग, जवाहरलाल नेहरू आए। सहमत हूँ, असल में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, बाबरी मस्जिद को शहीद कहते हैं, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मंदिर भी होता है तो उनके गिरता है, तो उसके लिए हम उतने सम्मान के साथ देखते हैं जितना कि उसको। तो उसके बाद देश की राजनीति में परिवर्तन हुआ, दंगे हुए, फसाद उससे पहले हार गए थे, वीपी सिंह ने ही आपको हरा दिया। ऐसा था, उसमें हारे थे लेकिन नंबर टू पे थे। सबसे गलत निर्णय हुआ 1995-96 में, जब हमने बीएसपी को 300 सीटें दे दी। 125 थी आपके पास और 125 सीटें हमारे पास रहीं, तो हमारा जो एक मजबूत कार्यकर्ता उन 300 सीटों पर चला गया, या तो बीजेपी में चला गया, या समाजवादी पार्टी में चला गया, या भाजपा में चला गया, क्योंकि अच्छा उनके पास भी कैंडिडेट थे नहीं। सही पूछिए तो उस समय बीएसपी के पास 300 कैंडिडेट भी नहीं थे। करेक्ट, उससे वहाँ से पतन चालू हुआ, और जिन स्टेट में हम लोग ऑल्टरनेटिव नहीं है वहाँ कांग्रेस का रिवाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता, किसी भी पार्टी का रिवाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता। नहीं, आपने जो मुलायम सिंह के साथ किया था आपने गठबंधन, राजीव गांधी जी ने, नहीं वो तो किया, वो आपकी गलती नहीं थी? नहीं, कुछ चुनाव नहीं लड़ा था, उनसे सपोर्ट सरकार बना ना, सपोर्ट किया था, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। देखिए, बात वही है कि मिलकर चुनाव लड़ना एक बात होती है और किसी की सरकार को समर्थन देना दूसरी बात होती है, ताकि भाजपा ना आए इसलिए उनकी समर्थन से आपने वीपी सिंह सरकार की जो गिरावटी थी उनको समर्थन देना पड़ा आपको। ठीक है, वो तो गिव एंड टेक वाला था, वो दूसरी बात है, लेकिन जो आपने कहा ना कि कांग्रेस का कमजोर होने का, मैं आपसे वही कह रहा हूँ। एक तो बाबरी मस्जिद गिरने के बाद पूरी उसमें ऐसा लोगों में महसूस लोगों ने किया कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ता से निर्णय न लेते हुए उसको गिरने दिया, एक, और दूसरा बहुजन समाज पार्टी के साथ जो हमारा गठबंधन हो गया चुनाव में, 300 सीटों पर हमारा बिल्कुल सफाया वर्कर चला गया। नहीं, पर लगता नहीं कि दिग्विजय सिंह जी, क्योंकि कांग्रेस वर्करों से बात करता है कि अपने आपके तो डेमोक्रेसी याद है ना बाकी पार्टियों से, तो वो लगता है कि दिग्विजय सिंह कई बार इतना तुष्टिकरण करते थे माइनॉरिटीज का, उसकी वजह से वहाँ पर पोलराइजेशन उन्होंने ज़्यादा कर दिया। तो 5 साल प्रभु जी, कोई भी सिविलाइज सोसाइटी या सिविलाइज डेमोक्रेसी में अल्पसंख्यक समुदाय को
महत्व दिया जाता है, चाहे अमेरिका ले लीजिए, ब्रिटेन ले लीजिए, कोई यूरोप की कोई भी सरकार डेमोक्रेसी ले लीजिए, तो क्योंकि एक जवाबदारी मेजॉरिटी कम्युनिटी की होती है कि अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा और उनकी दिक्कत परेशानियों को दूर किया जाए। और यही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनको विशेष अधिकार दिए हुए हैं। बात ठीक है, पर आप बात तो लगता है उनके यहाँ तो कोई गलत काम कर नहीं सकते, जैसे मेजोरिटी के लोग वो लोग समझते हैं कि मेजोरिटी वाले कोई गलत काम नहीं कर सकते। सुन लीजिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के पहले भी कम्युनल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का विरोध किया। लड़ाई हमने लड़ी, मुस्लिम लीग के साथ कभी समझौता नहीं किया, हिंदू महासभा RSS के साथ भी हमारा झगड़ा चला रहा, जनसंघ से भी रहा, कम्युनल हिंदू और कम्युनल मुसलमान, इनसे कांग्रेस पार्टी ने कभी समझौता नहीं किया। और मैंने एज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां सिमी को बैन करने का की सिफारिश की थी, वहीं बजरंग दल को भी सिफारिश मैंने की थी, क्योंकि दोनों मिलकर दंगे फसाद कराते हैं, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। हम लोगों ने आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी MIM से अपना रिश्ता पूरा अलग करके हम उनका भी विरोध अब चालू किया। मैं मानता पर ये जो इंप्रेशन है कि कितने आप सीनियर मोस्ट नेता हैं, आपने कभी बटाला पे कुछ स्टेटमेंट दिया, कभी आपने उसामा बिन लादेन जी कह दिया गलती से। पहली बात तो आपने कहा बटला हाउस का, हाँ हमने मांग की थी कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, नहीं हुई। उसामा बिन लादेन के बारे में नहीं, बिल्कुल गलती, मैंने व्यंग किया था। आप अगर मेरा क्लिप देखेंगे, वाराणसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने कहा था मैं बधाई देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, एक खूंखार आतंकवादी को उन्होंने एलिमिनेट किया है, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि उसामा जी पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी एबटाबाद के 200 मीटर पर रह रहे हैं और पाकिस्तान सरकार को मालूम नहीं है। तो मैंने व्यंग किया था ना, आप जो मीडिया के ऊपर पकड़ रहा हूं, लोगों ने जी वर्ड पकड़ा, बाकी नहीं सुना ना। यही तो मुसीबत है मीडिया की कि मुझको बता दिया कि मैं उनके प्रशंसक हूं। आप ये भूल जाते हैं कि उसामा बिन लादेन के खिलाफ जब पक्ष में यहां के शाही इमाम बुखारी ने इन्होंने उनका समर्थन किया था, उसका समर्थन किया था, मैंने विरोध किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मीडिया में वो विचारधारा जिसका मैं विरोध करता हूं, उसका महत्व है, उसके काफी लोग हैं, तो मुझको टारगेट किया जाता है। मीडिया का आज सबसे बड़ा टारगेट मीडिया में, के समर्थक है, मीडिया भी यही कोट किया था। मीडिया में जो जिस विचारधारा का मैं विरोध करता हूं, उस विचारधारा का प्रभुत्व आज मीडिया में कुछ ज्यादा ही है, और उनका सबसे बड़ा टारगेट दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह, मैं ये कर, जैसे अभी गलती से आपने कि मैंने देखा अखबार में गलत है या ठीक है, आप करेक्ट कर देना। आपने कहते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहीं कहा दिया आपने अखबार में, ऐसा कुछ छपा कॉन्टेक्स्ट मैं जानता नहीं, इसलिए नहीं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं कहा था, मैंने ये कहा था जो पाकिस्तान के कब्जे में हमारा कश्मीर है, और मैंने उसमें ये भी कहा था इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बट द एरिया विच इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय कश्मीर, तो इसमें दैट मे हैव बीन अ टंग स्लिप ऑफ द टंग वही कहना वो, बट नहीं, पर आप जो आइडियोलॉजी की बात है, कई बार माइंड तो कम करता था किसी तरह, वो रिफ्लेक्ट कर जाता है बाद में। ऐसा नहीं, देखिए आई हैव बीन अपोजिंग मुस्लिम फंडामेंटलिज्म फ्रॉम डे वन, जमात इस्लामी एंड सिमी। Tell me one chief minister in this country who recommended ban on student Islamic movement of India. Give me one name. एक आदमी का नाम, एक चीफ मिनिस्टर का नाम बता दीजिए। नहीं, मैं उसी बात हूँ कि दिग्विजय सिंह जब इतने कंसिस्टेंटली एक आइडिया, क्योंकि पॉलिटिक्स में कंसिस्टेंसी इज नॉट ए वर्च्यू नो, कि कोई एक आप ऐसे पॉलिटिशियन जिनकी कोई कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं तो है, पर उसकी वजह से मेरे को लगता है दिग्विजय सिंह का प्रयोग जितना ज़्यादा होना चाहिए यूपी इलेक्शन में, बार बार इसलिए आ रहा हूँ कि यूपी इलेक्शन में, क्योंकि तुम जो है आपको लोग समझते हैं कि पूरी सब कम्युनिटी को लेके चल सकते हैं आप, वहाँ अगर मुस्लिम का इंचार्ज बना दिया वो भी सिंबोलिज्म हो जाता है आपकी पार्टी ने, गुलाम नबी आज़ाद वो भी सीनियर कार्यकर्ता है मेरे मित्र, आपकी जगह उनको रखना ये भी एक सिंबोलिज्म आपकी पार्टी का है। ऐसा है, मेरे पास अभी चार्ज में गोवा, कर्नाटका, आंध्र और तेलंगाना दिया हुआ है, जो कि अपने आप में काफी बड़ा क्षेत्र है। तो एक जगह में कर रहे हैं, दूसरी जगह गोवा में चुनाव होने वाले हैं आपको, पर जो अब हो रहा है मैं जो देख रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह महामंत्री रहे, कई बार समझता है कि लोग कांग्रेस पार्टी के कई बार स्टेटमेंट दिया कि आपके व्यक्तिगत व्यूज होते हैं, तो आप पार्टी के महामंत्री होते हुए बता दीजिए,
जिन जिन बातों का कहा गया व्यक्तिगत राय है, कहा गया ना, वो अल्टीमेटली कांग्रेस की राय बनी बाद में। तो आप उनसे आगे हैं कांग्रेस से? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने जो कुछ भी कहा है आज तक, मुझे किस पार्टी की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला, ना किसी ने मेरे से कोई बात की। जो कुछ मैंने कहा है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के दायरे में ही मैंने बात की है। जैसे आपने बाबरी मस्जिद शहीद हो गई है, एक टर्मिनोलॉजी, हाँ कहा मैंने, कांग्रेस पार्टी से सहमत नहीं हो सकती इस तरह की टर्मिनोलॉजी से। ऐसा नहीं है, मैं तो आज भी मानता हूँ कि हाँ उसको मैं कहता हूँ शहीद हुई। तो अभी फिर दोबारा से बातचीत चल रही है कि वहाँ पर सुब्रमण्य स्वामी लेके जा रहे हैं कोर्ट के अंदर कि पहले राम मंदिर बनेगा, जाए ना। देखिए बात यह है, मैं अच्छा हिंदू हूँ, अच्छा सनातन धर्म का पालन करने वाला हूँ और प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ। दूसरा ऐसा नहीं हूँ, फर्जी नहीं हूँ, केवल नारेबाजी नहीं करता हूँ, मैं एकादशी का व्रत भी करता हूँ। मेरे घर में 9 मंदिर हैं जहाँ पूजा होती है, ज्योति जलती हैं। लेकिन मेरा धर्म ये नहीं है कि मैं दूसरे धर्मों के खिलाफ और दूसरे धर्मों के पूजा स्थल का अपमान करूँ। राम मंदिर बनना चाहिए, आम सहमति से बनना चाहिए, कोर्ट के आदेश से बनना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी और भाजपा और संघ और विश्व हिंदू परिषद राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। कुर्सी पर बैठते हैं राम मंदिर भूल जाते हैं, जब चुनाव आते हैं तो राम मंदिर याद आ जाता है। अभी तो कुर्सी पर बैठे तभी याद आ गया, क्योंकि चुनाव है ना उत्तर प्रदेश के, तो पोलराइजेशन करने की मूड में, और उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। भाजपा बिना पोलराइजेशन के चुनाव लड़ ही नहीं सकती। नहीं, यूपी में जैसे कांग्रेस के पास इशू क्या है? कांग्रेस वाला नेता है शीला दीक्षित जी, बेचारी अच्छी हैं। देखिए आप पहले इशू की बात कर लीजिए, बाद में नेता की बात करेंगे। राहुल गांधी जी ने किसान यात्रा निकाली, किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। नंबर टू, हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों को बिजली आधी रेट पे देंगे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन में हम लोग उसको सही ढंग से करेंगे। किसानों की तीन बातों को लेकर उन्होंने कैंपेन चलाया, वो हमारे इश्यूज हैं। चौथा इशू हमारा ये है कि 25 साल से हम लोग कांग्रेस सरकार के बाहर है, मौका दीजिए। मौका तो बोलते हो, दो पार्टियां वहां पर हैं, एक तीसरी पार्टी जो मोदी की सरकार की उनकी पार्टी है, कहते हैं हमने विकास किया है उसके मुकाबले। अच्छा, देखिए विकास भारतीय जनता पार्टी, आज ये फिक्र आई है भारतीय जनता पार्टी, हमें बता दीजिए 2.5 साल में देश के कौन से क्षेत्र में विकास इन्होंने किया है? 7% से ऊपर ग्रोथ रेट आज भी अनाउंस किया उन्होंने, बात ये पिछले महीने से ज्यादा बढ़ गई है। दिस इज अ कंटिन्यूएशन, देखिए ग्रोथ रेट जो है दिस इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। जो एक तो पहली बात तो ग्रोथ रेट इन्होंने उसके बेसिक फॉर्मेट ही बदल दिया है। तो आज जब हमने छोड़ा था 6.5-6% पे छोड़ा था, तो वो अगर आप उस नए फॉर्मेट में देखें तो आज 7.5-8% पे होते। लेकिन आज जो डिमोनेटाइजेशन का असर होगा, डिमोनेटाइजेशन इशू का जो असर होगा आज से अगले क्वार्टर में, उसके बाद के क्वार्टर में होगा, अभी पता नहीं पड़ेगा। पर मैं आप जो आप यूपी के अंदर में, क्योंकि जब तक आपने शुरू में कहा कि यूपी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, तो देश के लिए इंपॉर्टेंट रहा है, तो कांग्रेस जब तक यूपी में रिवाइव नहीं होगी तो उसके पीछे आपके पास ना नेता ना नारा जैसा एक मान्य वर्कर डिमोरलाइज हैं, आपके पास कैंडिडेट हैं कि नहीं ये पता नहीं है। जो आपने कहा कि तीन इशू किसान के हैं, किसान के वो सारे इशू वो बाकी पार्टी में उठा रही हैं, और बीजेपी वाले क्लेम करते हैं हमने इतना पैसा दिया इस बार किसानों को, बटा नहीं यूपी के अंदर, कहां से दिया? मैं उनके पास आपको ठीक है, देखिए हवाबाजी जुमलाबाजी में उनका कोई मुकाबला है क्या? इतने बड़े बड़े काम करें, डिमोनेटाइजेशन इतना बड़ा काम किया है, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर? क्या आप लाइन में लगे थे? नहीं, मैं तो नहीं लगा। मेरा ड्राइवर जरूर लगा। बात वही है, आपका ड्राइवर लगा, आपका चपरासी लगा, आपका रेडी वाले लगा, सब्जी वाला लगा, आप भी नहीं लगे? नहीं, मैंने पैसे निकाले बैंक से, 24,000 रुपए निकाल दिए मेरे बैंक से। लाइन में तो नहीं लगे ना आप, जाकर किसी को भेजा ना आपने? नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए तो अलग से उनके हमारी वहां से ले लिया, बाकी परिवार के लोग तो नहीं लगे ना। लेकिन बात यह है कि गरीब आदमी लाइन में खड़ा है, जिसके पास काला धन है वो घर में बैठा है। अब गरीब आदमी पर कंप्लेन कहाँ कर रहा है जी? कोई कंप्लेन तो कर ही नहीं रहा। ऐसा सर्वे देखा उनका? प्रभु आपने मोदी जी ने सर्वे कहा 95%, अखबार वाले कहते हैं 95%। ऐसा कहिए प्रभु जी, ऐसा करिए कि 99.99% मोदी जी के पक्ष में कर दीजिए, 0.1% मैं दिग्विजय सिंह उनके खिलाफ हूँ और कांग्रेस उनके खिलाफ है। कांग्रेस खिलाफ है, पर सवाल ये है कि इनको कहीं काला अच्छा जी सर, आप वाले के खिलाफ तो है नहीं? आप यस मिनिस्टर का एक वो क्लिप देख लीजिए, वो सर्वे वाला देख लिया मैंने उसको। सवाल ये है कि अभी भी उसके बाद इलेक्शन जीते, वो महाराष्ट्र में जीते, गुजरात में जीते, लोकल इलेक्शन जीते हैं। आप थोड़ा सा रुक जाइए, 2019 में क्या होता देखेंगे।
1975 में जब एमरजेंसी लगी थी तो ऐसा ही माहौल बन गया था। तो आप उसका अब लगता है कि आपसे लोगों से गलती हो गई थी एमरजेंसी जी कि आपको बार बार लोगों ने सपोर्ट लगे कहते हैं बात ठीक है, पर मैं लगता है मोदी जी जिस तरह का काम कर रहे हैं आप उनके पॉलिसी के खिलाफ तो है नहीं, ब्लैक मनी को खत्म करने के। देखिए इससे आप उनके तरीके के खिलाफ है। मैं देखिए डिमोनेटाइजेशन इसका उत्तर नहीं है, उसका रास्ता नहीं है डिमोनेटाइजेशन। वो कहते हैं उसके बाद कश्मीर में खत्म हो गया सारा का सारा लोग लाइन में, और आप देखिए क्या हो रहा है तो पाकिस्तान तो कश्मीर में जो पत्थर पड़ते थे पत्थरबाजी होती थी वो बंद हो गई, वो भी चालू है, वो भी चालू है छप नहीं रहा है दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं आपसे नेक्स्ट लाइट से पैसे नहीं बंद हो गए थोड़े बहुत चालू है सर, क्या नेक्स्ट लाइट की समस्या अभी इंसिडेंट नहीं कह रहे हैं दिखाया अभी अखबारों में छप नहीं रहा आप कह रहे हैं, हमारे को लगता है हो नहीं रहा। देखिए बात यही है मीडिया में जो प्रभाव और प्रभुत्व आज बीजेपी का है हम उसका बराबरी भी नहीं कर पाएंगे। मैं दूसरी बात आपसे कंट्रोल में बहुत है जवाब मुख्यमंत्री आपका भी कंट्रोल पर्सनल बहुत है। मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूँ उसका तरीका गलत था। 86% आपने करेंसी बाहर निकाल ली और उतनी करेंसी आपने मार्केट में डाली नहीं तो स्वाभाविक है क्योस होगा। नहीं वो बात जो आप कह रहे हैं कि जितना उनको करना चाहिए था इम्प्लीमेंटेशन में गलती हो सकती है जो उनका मानना है कि हम कर रहे हैं सुधार कर रहे हैं, पर डीमोनेटाइजेशन इतना बड़ा स्टेप लेना, महात्मा गांधी ने खड़े किए थे लोग बाहर सड़क में ला करके प्रतिष्ठा के लड़ने के खिलाफ, इन्होंने कहना हमने काले धन के खिलाफ लोग खड़े कर दिए सड़क के। अच्छा मोदी जी चुनाव काले धन से जीतते हैं कि सफेद धन से जीतते हैं? भाजपा वो सब पॉलिटिकल पार्टी स्वीकार करिए इसको। नहीं आप स्वीकार करिए तो वो भी कर लेंगे, हम सब स्वीकार करते हैं। हमारे हम लोग के पास जो जो हिसाब देते हैं कौन पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट जो है जो हिसाब देते हैं उसमें सारा खर्चा हम पार्टी किस में डालते हैं, इंडिविजुअल का तो डालते आप, हैं। आपका कहना ये है कि आप अभी तक तो आप सबसे बड़ी पार्टी थी देश की, आप शंको मैं आपसे कहता हूँ मोदी जी पॉलिटिकल मान रहे हैं कि ब्लैक के बिना इलेक्शन नहीं हो सकता। मोदी जी जो चश्मा पहनते हैं हजारों रुपए का लाखों रुपए का पेन लगाते हैं जेब में और दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं वो कहाँ का है? वो खादी वादी के थे, वो तो सस्ते वाले चश्मे का पता नहीं मेरे को कपड़े और 4.5 लाख का जब सूट पहनते हैं वो कहाँ से आता है? 4.25 करोड़ में बिका वो देख लीजिए उसके। नहीं फायदा हुआ ना कि प्रधानमंत्री बनने गरीब फंड में पैसा गया ना, बना था 4.5 लाख का बिका 4.25 करोड़ का है, आपको पता कितने का था। लेकिन बात ये है कि वो पैसा कहाँ से था? नहीं पॉलिटिकल पार्टी ब्लैक मनी से चुनाव लड़ती है ये तो आप मान रहे हैं। बात ये है कि फंड रेजिंग कैसे होता है ये तो पार्टियां जानती हैं और आप भी जानते हैं, प्रश्न इस बात का है ब्लैक मनी क्यों होता है? ब्लैक मनी इलेक्शन लड़ने से ना ब्लैक मनी इसलिए होता है क्योंकि आपका टैक्स कलेक्शन का जो है एफिशिएंसी है वो पुअर है, आपके टैक्स कलेक्शन जो एजेंसी हैं वो करप्ट है इसलिए आता है, तीसरा हमने टैक्स इवेजन को क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं माना है। नहीं, तो कर दिया उन्होंने 7 साल की सजा 4 साल की सजा वो कहे के लिए वो फॉरेन डिस्क्लोजर के ऊपर है इसमें कहा नहीं, पर आप ये जो कह रहे हैं कि ज्यादा जब तक टैक्स इवेजन क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगा तब तक ब्लैक मनी आता है। हट रहे हैं कि पॉलिटिशियन पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी इतना खर्च करते हैं आप लोग चेक से पैसे क्यों नहीं लेते जी? आरटीआई के अंडर क्यों नहीं आती आपकी पॉलिटिकल पार्टी? देखिए ऐसा है ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर तय करना चाहिए देश में। मैं कहूंगा स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन आवश्यक है। नहीं पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? मैं कहता हूं इस एज में ट्रांसपेरेंसी सब जगह होना चाहिए और विशेषकर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर तय करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी का क्या विचार है? हम तो कानून ही लाए हैं। हाँ तो आरटीआई के कहिए आना चाहिए कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी। मैं आपसे कह चुका हूँ कि आरटीआई तो हम ही लाए और हम लोग इसके पक्ष में हैं। आप कांग्रेस पार्टी को लीड लेनी चाहिए इसके अंदर, आज आप लीड लेंगे अपने आप बीजेपी वाले डिफेंसिव हो जाएंगे। मैं कांग्रेस पार्टी नहीं हूँ, कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप और सब वर्किंग कमेटी जो तय करती निर्णय लेती। आप ये तो कह सकते हैं कि हम डोनेशन जो है खाली चेक से लेंगे कैश 1 रुपया नहीं लेंगे? लेना ही चाहिए लेकिन बात है कि इसमें स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म होना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। मैं जो इशू पे आ रहा हूँ दोबारा से धारा कि आप लोगों ने पार्लियामेंट डिसरप्शन किया इसके लिए कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन में, क्योंकि आप जब से पहले वो लोग करते थे अब आप उन्हीं के हिसाब से कर रहे हैं। एक बात आपसे कहता हूँ, पहली बात तो डिमोनेटाइजेशन का फैसला आरबीआई का है, रिकमेंडेशन फैसला केंद्र सरकार का है, रिकमेंडेशन आरबीआई उसके बिना कर नहीं सकते, वो बोर्ड का है। अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री ने किया, कभी अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री करते नहीं आए हैं मैं बता रहा हूँ। ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ना मुरारजी देसाई ने किया था, लेकिन
मोदी जी ने सारी जवाबदारी अपनी ली है, उन्होंने कहा है हम लोग उनसे उनको चाहते हैं वो बैठ के हमारी बात सुने। और हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक कारण ये है, हमारा आरोप यह है कि 8 नवंबर के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के खातों में पैसा ज़्यादा जमा हुआ। इस देश के जो कानून था, नियम था कि फॉरेन रेमिटेंस जो जाता है, लिबरलाइज रिपेट्रिएशन स्कीम LRS, उसमें $75,000 से बढ़ा के $2,50,000 क्यों किया गया? तो पिछले साल किया था। सुन, हाँ, पिछले साल किया था, क्यों किया? इसी तरह किया था उन्होंने, बढ़ा के 1.5 लाख किया, फिर 2.5 लाख, 2.5 लाख कर दिया। ये क्यों किया? 30,000 करोड़ इस देश का पैसा विदेश गया, विदेश का पैसा तो यहाँ आया नहीं। पिछले 2.5 लाख पिछले 3 साल में 3 महीने में बैंकों में जमा राशि तिगनी हो गई। सितंबर में, अक्टूबर में बंगाल के भाजपा के खाते में 8 तारीख को शाम को 5 बजे के पहले 3 करोड़ रुपए जमा हुए। अगर पूरे अकाउंट देख ली जाए तो सैकड़ों करोड़ मिलेगा। इसी प्रकार से इन्होंने जमीनें खरीदी, बिहार के अंदर जमीनें खरीदी हैं, उसके बाद हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी का नेता 2000 के नोट लेकर फोटो खिंचवाता है 5 नवंबर को। परसों के रोज चेन्नई में 21 लाख के 2000 के करेंसी नोट लेते हुए भाजपा का नेता पकड़ा जाता है। यतीन ओझा भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व विधायक प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं कि अमित शाह के लोग खुलेआम 1000 के नोट के बजाय के बदले में 67 रुपए के 67% न्यू करेंसी वापस कर रहे हैं। पॉलिटिकल चार्ज लगा सकते हैं ना, आप तो जांच तो करिए, जांच कराइए। इसलिए हम कहते हैं JPC होना चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम 10 महीने से कोच प्रयास कर रहे हैं पार्लियामेंट को रोकना, ये तो प्रधानमंत्री 2 बार बैठे, लोकसभा में बैठे और राज्यसभा में बैठे, आपने फिर भी वॉकआउट कर गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे भाषण हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के भाषण हुए, नरेश अग्रवाल के भाषण हुए, और भी भाषण हुए, फिर वोट के चल दिए। बात यह है आप नहीं प्रधानमंत्री, आप, आपके प्रधानमंत्री कितनी देर बैठते थे हाउस में? हमेशा बैठते थे, जब भी जरूरत पड़ती। कई बार पार्लियामेंट बीजेपी की आपके प्रधानमंत्री आते नहीं। 2G में आपको याद दिला दूं, 2G में 2 दिन के अंदर हम लोगों ने JPC अनाउंस कर दी थी। JPC अनाउंस कर दे, चालू हो जाएगा। कितना डिसरप्शन हुआ, चालू हो जाएगा। कितना डिसरप्शन किया तब आप माने JPC? ऐसा है, डिसरप्शन आपके मित्र जो हैं अरुण जेटली जी, वो तो कहते हैं डिसरप्शन इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस। मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, जो आपकी बात है कि कांग्रेस पार्टी संकट में है। कहाँ आप 30 में से 25 राज्यों में राज करते थे, बोलिए ना। अब 4 राज्यों में, छोटे मोटे 4 राज्यों में राज कर रहे हैं, 5 राज्यों में, कर्नाटका एक बड़ा स्टेट है, बाकी सारे छोटे छोटे स्टेट हैं। 44 नंबर पे आ गए, तो आपको लगता नहीं कि कांग्रेस की 125 साल हो गए, अब यूटिलिटी खत्म हो गई है? ना नए नेता खड़े हो रहे हैं, ना नए वर्कर आ रहे हैं, तो 125 साल के बाद तो जाना ही होता है ना। प्रभु जी, आपको याद है 77 में भी लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, इंदिरा गांधी को भी राइट ऑफ। 77 में तो 125 साल की नहीं थी ना, सुन लीजिए, एवरेज से ऊपर थी। सुन लीजिए, इंदिरा गांधी को राइट ऑफ कर दिया था, कांग्रेस को राइट ऑफ कर दिया, तो बीजेपी को 2 सीटें आए थे 1980 में। हाँ, तो इसलिए ये सब उतार चढ़ाव होते हैं। नहीं, पर आपको आपके होते इंदिरा गांधी थी ना, राहुल गांधी जब पिछले 12 साल से पॉलिटिक्स में इंदिरा गांधी कुछ क्या कर पाए? इंदिरा गांधी को भी गूंगी गुड़िया कहा करते थे मीडिया के लोग, ऑपोजिशन के। वो तो 5 साल में प्रूव कर दिया उन्होंने, 1967 में आई, 1966 में आई, 71 में 350 सीट ले आई वो। जी हाँ, ये तो 2004 में आए, अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सोनिया जी की तबीयत खराब होने के बाद राहुल जी अब सामने हमारे आए हैं, एंड थोड़ा टाइम लगता है ग्रो करने में। 14 साल 12 साल हो गए उनको। देखिए, ऐसा नहीं है, 2004 से लेके अभी 12 साल। एक बात सुनिए, 2004 में वो पार्लियामेंट के मेंबर बने और अभी ये 2016 साल में ना, धीरे धीरे उन्होंने अपना संगठन स्टूडेंट और यूथ में अपना संगठन तैयार किया है। ही हैज अ ट्रेंड कार्डर विथ हिम नाउ। नहीं, आपको लगता नहीं है कि उनको भी पुराने लोग जो हैं, कई बार कहते हैं कि नए लोग जब आते हैं तो पुराने लोग चले जाने चाहिए, तो आपको तो लगता नहीं कि आपके लोग जो हैं जिन्होंने इतना काम किया, अब नए लोगों को आपके बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है, तो उनको आगे आने दो, आप लोग विड्रॉ कर जाओ। हम तो तैयार हैं, हम तो इसलिए तैयार बैठे हैं कि आप
अब मुझे भी यहाँ 12 साल हो गए काम करते हाँ? हुए, तो इसलिए नए लोगों को आना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में जब से आप आए वहाँ कोई नेता नहीं बना आपके अलावा, ना जीत पाए आप, तब से आप शिवराज चौहान चले जा रहे हैं। अब जब 2003 में कहा था दिग्विजय सिंह के, वैसे कांग्रेस हार गई तो दिग्विजय सिंह ने विड्रॉ कर लिया, 10 साल का संन्यास लिया था, आपने कहा पद लूंगा, उसके बाद आपने पद ले लिया। पर मध्य प्रदेश नहीं, एक बात सुनिए, एक बात सुन लीजिए, मैंने कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं चुनाव नहीं लड़ा 10 साल तक, और 2014 में मैं वापस राज्यसभा में आया, तो मैंने अपना वादा निभाया। हाँ ना, पर मैं कह रहा हूँ कि जो बड़ी एक बड़ी बात है कि कांग्रेस के अंदर लीडरशिप का जो बैंक्रप्सी कह सकते हैं या अभाव कह सकते हैं, होता है धीरे धीरे, किसी भी लीडरशिप को बिल्डअप करने में समय लगता है। आपको लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में फ्यूचर है कांग्रेस का? निश्चित तौर पर है, 25 साल जो भी हो निश्चित है। आपको लगता है जीत के दिखाएंगे? वो दिखाएंगे, यूपी में अगर हार गए तो आप फिर वृत्ति से नीचे आ गए तो ऐसा है, यूपी में आपकी पार्टियां टूट रही है सब जगह, अरुणाचल में चले गए सब लोग, उत्तराखंड में चले गए, ऐसा है, अरुणाचल में कब अदला बदली नहीं हुई है, वो तो रहा ही है, जिसपे केंद्र सरकार, आपको याद होना चाहिए जब एनडीए सरकार आई थी तो पूरी कांग्रेस चली गई थी, फिर कांग्रेस वापिस आ गए, वापिस लोग आ गए। 3 साल में बड़े बड़े नेता आपके मुख्यमंत्री छोड़ के चले गए, पीसीसी के प्रेसिडेंट यूपी के छोड़ के चले गए, सब लोग चले गए। ऐसा है, आप उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर विजय भगुना जी की बात कर रहे हैं, बहन पीसीसी की प्रेसिडेंट थी। हाँ, तो देखिए वो ये परिवार, वीरेंद्र सिंह आपके वहां थे, ये परिवार ने कितनी बार सरकार, कितनी बार पार्टी बदली, जरा बता दूं मैं आपको, रीटा भगुना जी ने 11 बार पॉलिटिकल पार्टी बदली है, और जहाँ तक राव वीरेंद्र सिंह चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का सवाल है, कांग्रेस का रिकॉर्ड, वीरेंद्र सिंह जी का के साथ थोड़ा सा अन्याय हो गया था कि एक बार उन्हें कैबिनेट के लिए इन्फॉर्म करने के बाद उनको नहीं बनाया गया था, इससे इस तरह के डिसीजन मेकिंग आपने कहीं ना कहीं हो जाती है ना गलती, किन कारणों से? आपको लगता है अभी भी आपके राहुल गांधी में विश्वास है? आपने कहा था उनको, पूरे इंटरव्यू में कहा था उनको बनाना चाहिए, पूरे तरीके से बने नहीं, पूरे तरीके से है, अभी तो बने नहीं, आपने कहा पूरे तरह से है, कब प्रेसिडेंट बनेंगे वो? जब वो सोनिया गांधी जी निर्णय कर लेंगे, उन्होंने कहा वो निर्णय करेंगे। हाँ तो ठीक है, वो निर्णय कर ले, चलिए हम इंतजार करेंगे, आपसे पहले भी पूछा था, आपने जवाब दिया था वो निर्णय करेंगे, अभी तक नहीं हुआ, तो आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। सच्ची बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक प्रभु चावला का नमस्कार और जय हिंद।